दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से जहरीली हवाओं से पूरा आकाश ढक गया है। कई क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 का मार्क पार कर गया है। दिल्ली एनसीआर का आलम ऐसा है कि धुंध की वजह से सूरज छिप गया है। वायु प्रदूषण को लेकर के एक हैरान करने वाला खुलासा भी हुआ है। एक स्टडी में पता चला है कि वायु प्रदूषण के कारण टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। BMJ ओपन डायबिटीज रिसर्च एंड केयर जर्नल में ये प्रकाशित किया गया। वही आपको बता दें कि भारत में अपनी तरह का ये पहला रिसर्च है जिसमें दिल्ली और चेन्नई में इसे किया गया है। इस स्टडी में पाया गया है कि उच्च मात्रा में महीन प्रदूषित कण यानी कि PM2.5 वाली सांस लेने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2010 से 2017 के बीच किए गए स्टडी में 12,000 से अधिक पुरुष और महिलाओं के एक समूह शामिल किया गया और समय समय पर उनके ब्लड शुगर के लेवल को मापा गया। स्टडी में पता चला कि एक महीने तक PM2.5 के संपर्क में रहने वाले लोगों में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ गया। वही एक साल जो उसके संपर्क में रहा उसमें डायबिटीज की बीमारी देखी गई। दिल्ली और चेन्नई में सालाना औसत 2.5 में प्रत्येक 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज का खतरा 22% बढ़ जाता है। वही आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 2 दिन के लिए स्कूल को बंद कर दिया है। अगले 2 हफ्ते तक प्रदूषण और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अगर जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर ना निकले। अस्थमा पेशेंट को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वही बुजुर्ग और बच्चों को घर में ही रहना है। बाहर एक्सरसाइज करने से भी बचने को बोला गया है। वही हेल्थ डाइट लें और खुद को हाइड्रेटेड रखने की नुमाइश की गई है। वही आपको बता दें कि एयर प्यूरिफायर का भी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं।